हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़ी संख्या में जो वैकेंसी आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। क्लास 6 से 8th, 9 से 10th और 11, 12th कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो चलिए नोटिस में देख लेते हैं। जो नोटिस जारी कर दिया गया है, 1 लाख से भी अधिक पदों पर यह वैकेंसी आई है, तो आवश्यक सूचना में सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। और लास्ट में जो है वो आप देख सकते हैं कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 3 नवम्बर 2023 से प्रारंभ होकर 14 नवंबर 2023 तक चलने वाली है। तो कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं, द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय यानी क्लास 6 से 8 तक को इन्होंने कहा है मध्य विद्यालय, माध्यमिक जो विद्यालय है वर्ग 9 से 10 और उच्च माध्यमिक विद्यालय 11 से 12। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट जो कि फॉर्म फिल कर सकते हैं वर्ग 6 से 8 तक में, जहां पर लगभग जो है 32,000 जो है वो पदों की संख्या यहां पर आई है। ठीक है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट के लिए बहुत ही जो है सुनहरा अवसर है, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई थी तो सारी प्रक्रिया जो है वो बहुत ही जो है कार्य जो है सारा बहुत जल्दी ही हुआ था, और ये भी काम जो है वो बहुत जल्द होगा क्योंकि दिसंबर में जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि क्लास 6 से 8 तक जो है यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं, पूरे भारत के जो बीएड धारी हैं, डीएड, एसटीसी, बीटीसी स्टूडेंट यहाँ क्लास 6 से 8 तक में अप्लाई कर पाएंगे। जिन्होंने एस टेट बिहार का टेट क्लियर किया है तो क्लास 9 से 10 और 11 से 12 यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो 32,000 लगभग जो वैकेंसी है वो यहाँ पर क्लास 6 से 8 तक में आई है। उसके बाद जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, 14 नवंबर तक चलेगी, और यहाँ पर जो है कहा है परीक्षा का जो आयोजन है वो 7 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक जो है संभावित है। लास्ट में एक लाइन उन्होंने लिख दी है कि उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है, यानी अगर 2-4 दिन आगे भी जो है डेट यहाँ परीक्षा की हो जाती है तो बिल्कुल की जा सकती है। ठीक है, तो ये संभावित वर्ड जो है इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया है। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में जो वैकेंसी है अभी तक जो है मैंने तो नहीं देखी है, क्योंकि बिहार में इससे पहले भी काफी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई 1,70,000 पदों पर, और बहुत सारी सीटें जो खाली रह गई तो वो भी जो है यहाँ पर जोड़ दी गई हैं। और जिन स्टूडेंट के पास जो है सामाजिक विज्ञान विषय रहा है, तो एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आप लोगों का यदि कोई भी सब्जेक्ट रहा है सभी जो है यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी जो है क्लास 6 से 8 तक सामाजिक विषय के लिए आवेदन कर पाएंगे। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है और 3 नवंबर से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल आप लोगों को सूचना चैनल के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।